हेलो गाइज, वेलकम बैक टू HR राइटिंग। सो गाइज, आप भी ऐसे ही इंस्टाग्राम स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें मॉडल के पीछे कुछ इस तरीके से लिरिक्स चल रहे हैं जो दिखने में बहुत कूल लग रहा है, तो आप भी कुछ इस तरीके से एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, आपको कुछ इस तरीके से इंस्टाग्राम स्टोरी क्रिएट करने में आपको दो ऐप का जरूरत पड़ने वाला है, जिसमें आपको पहले इंस्टाग्राम यूज करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम होने के बाद आपको पिक्सार्ट यूज करना पड़ेगा। तो गाइज, आपको पहले अपने इंस्टाग्राम ओपन करना होगा। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको अपने स्टोरी सेक्शन पे आना होगा। स्टोरी सेक्शन में आने के बाद आपको अपने फोटो को ऐड करना होगा। कुछ इस तरीके से अपने स्टोरी ऐड होने के बाद आपको स्टिकर पे आना होगा और यहाँ म्यूजिक पे क्लिक करना होगा। म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद आपको अपने मन पसंदीदा म्यूजिक को ऐड करना होगा। म्यूजिक ऐड होने के बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से डन करके कुछ इस तरीके से आपको परफेक्टली एडजस्ट करना होगा। कुछ इस तरीके से म्यूजिक लिरिक्स ऐड होने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके इस स्टोरी को सेव कर लेना है। स्टोरी सेव होने के बाद आपको इस स्टोरी को डिस्कार्ड कर लेना है और आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद इस बार आपको पिक्सार्ट ओपन करना पड़ेगा। पिक्सार्ट ओपन करते ही कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिख जाएगा, तो आपको यहाँ से प्लस आइकॉन पे क्लिक करके एडिट फोटो को चूज कर लेना है और अपने फोटो को चूज करना होगा। फोटो चूज होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिख जाएगा, तो आपको यहाँ से रिमूव बीजी करके ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और इस तरीके से आपको टाइम लेके ऑटोमेटिकली अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। आपको नेक्स्ट यहाँ से राइट क्लिक करके बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना होगा और यहाँ से ड्रॉ पे क्लिक करके इस फोटो को सेव करना होगा। फोटो सेव होने के बाद आपको फिर से इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। इस बार आपको सेव किया हुआ स्टोरी को ऐड करना होगा। ऐड होने के बाद आपको यहाँ स्टिकर पे आना होगा। स्टिकर पे आने के बाद आपको यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करके अपने बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ फोटो को ऐड करना होगा और इस फोटो को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। फोटो कुछ इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद आपको स्टिकर पे आना होगा और यहाँ पे आपको म्यूजिक मिल जाएगा, तो आपको फिर से उसी म्यूजिक को ऐड करना होगा और इस बार आपको इस ऑप्शन को चूज करना होगा और इसको आपको इस तरीके से छोटा करके आपको अपने स्क्रीन में से हटा देना है। कुछ इस तरीके से स्क्रीन से हटाने के बाद हमारा स्टोरी क्रिएट हो चुका है। तो आप भी इसी तरीके से अपने इंस्टाग्राम में अपने मॉडल के पीछे इस तरीके से लिरिक्स को ऐड कर सकते हो। तो आई होप गाइज इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले इसी तरीके से और एक वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।